हाँ जी, तो क्वेश्चन है, इसमें हमें स्टेटमेंट दी हुई है, कंक्लूजन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 में वी आर गिवन स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय कंक्लूजन्स। तो हमें यह बताना है कि स्टेटमेंट्स को ट्रू मान के कौन सी कंक्लूजन उसको फॉलो करेगी। जैसे गिवन ऑप्शन में ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, तो हमें यह बताना कि कौन सी ऑप्शन ट्रू है। स्टेटमेंट को ट्रू लेके कंक्लूजन बताना कि कौन सी फॉलो करेगी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वेन डायग्राम्स की अप्रोच। जैसे स्टेटमेंट है ऑल चिलीज आर गार्लिक्स, तो चिली और गार्लिक का वेन डायग्राम बनाते हैं। सपोज दिस सर्कल रिप्रेजेंट चिली, रिप्रेजेंटेड बाय सी। ऑल चिलीज आर गार्लिक्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय चिली, चिली सर्कल इनसाइड द गार्लिक सर्कल। सम गार्लिक्स आर अनियंस, तो गार्लिक और अनियन में रिलेशन इस तरह से हो जाएगा, सम गार्लिक आर अनियंस। ठीक है, ऑल अनियंस आर पोटैटोज। ऑल अनियंस आर पोटैटोज का मतलब है कि अनियंस का पूरा सर्कल पोटैटोज के बीच में आ जाएगा, अनियंस का पूरा सर्कल पोटैटोज के बीच में आ जाएगा। ठीक है, नो पोटैटो इज जिंजर, तो यहां पर आ जाएगा जिंजर, नो पोटैटो इज जिंजर। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम बन गया कंप्लीट। तो अब हमने देखना कि कौन सी ऑप्शन फॉलो करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नो अनियन इज जिंजर। नो अनियन इज जिंजर, जब नो पोटैटो इज जिंजर दिया हुआ है तो नो अनियन इज जिंजर तो हो ही जाएगा, क्योंकि अनियन पूरा का पूरा कहाँ पर है, पोटैटोज के इनसाइड पे है। इफ नो पोटैटो इज जिंजर, नो अनियन इज जिंजर, तो कंक्लूजन वन इज ट्रू। सेकेंड क्या है, सम गार्लिक्स आर पोटैटोज, तो ये है हमारे पास गार्लिक्स और पोटैटोज। जब सम गार्लिक्स आर अनियंस दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है सम गार्लिक्स आर अनियंस, तो ऑल अनियंस आर पोटैटोज भी दिया हुआ है, सम गार्लिक्स आर पोटैटोज भी ट्रू हो जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। तो सेकेंड गिवन कंक्लूजन इज ऑल्सो ट्रू। सम चिलीज आर पोटैटोज, देखो चिली और पोटैटो में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ हमें, चिली और पोटैटो का कोई रिलेशन मेंशन नहीं किया हुआ, तो थर्ड कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगी। इसका मतलब आंसर होना चाहिए ओनली वन एंड टू फॉलो, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, दैट ओनली वन एंड टू फॉलो।